मेरे सामने बैठे मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमारे स्टेज पर बैठे इस मुल्क के अंदर इंसानी हकूक के लिए काम करने वाले अजीम मशान ह्यूमन राइट्स और एक्टिविस्ट, और हमारी इस आवाज पर दावत देने वाले हर तबका के लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, वो इसलिए क्योंकि इस प्रोग्राम में आप लोगों ने आकर ये साबित कर दिया है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर कितने भी देश दुनिया में इल्जाम लगा दे, उस इल्जाम का जवाब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में इंशाल्लाह आप लोग देंगे। मुझे पता है आप लोगों को यहां पर आना आसान नहीं था, यहां पर आने से पहले बहुत से एजेंटों को आपके पास भेजा गया था ये बताने के लिए कि इस प्रोग्राम का मत रहिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ रिश्ता मत रखिए, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ कोई कानून का मत रखिए। हमारे यहाँ पर जो उलमा हजरात सामने बैठे हैं, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने इन सारे एजेंटों के बातों को रिजेक्ट कर आप लोग यहाँ पर आए, आकर आज आप लोगों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के साथ हिमायत की, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को सपोर्ट किया। ये आपका जो सपोर्ट है ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर कर्ज है। इंशाअल्लाह मैं हमारे उलमा से कहना चाहता हूँ, जब भी हमारे उलमाओं पर, हमारे मदरसों पर, हमारे मस्जिदों पर, हमारे वक्त पर, हमारे उलमा की इज्जत पर जब भी कोई हाथ डालेगा, इंशाअल्लाह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आपके लिए वहां पर मौजूद रहेगा। हमारे दलित भाई जवान यहाँ पर आए हैं, हमारे आदिवासी भाई जो यहाँ पर आए हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर आकर आपने हमारा साथ दिया है, तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का एक एक कैडर आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा। ये जो हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं पूरे इंडिया के अंदर, जो हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कॉन्फ्रेंस का नाम है हमें भी कुछ कहना है। इस कॉन्फ्रेंस में हम आपके सामने अपने दिल की जज्बात की बात करेंगे, हम मन की बात नहीं करेंगे। उसके पिछले 3.5 साल से मन की बात एक जारी है, मन की बात से लोगों का विश्वास चला गया है, तो हम यहाँ पर मन की बात नहीं करेंगे, अपने दिल के अंदर जो जज्बात है इंशाल्लाह जज्बात की बात आपके सामने करेंगे। आज हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से या एक महीने से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर एक इल्जाम लगाया जा रहा है। सबसे पहली चीज, ये इल्जाम हमारे लिए कोई नया चीज नहीं है, हमारे चेयरमैन साहब ने ऑलरेडी बता दिया है कि जब से हम शुरू हुए हैं तब से ये इल्जाम आ रहे हैं। आज तक ये इल्जाम हमें रोक नहीं सके, इंशाल्लाह कभी रोक भी नहीं सके। आज यहां पर चंद मीडिया हाउसेस, जिसको हम पेड मीडिया हाउसेस कहते हैं, आज सुबह जिन लोगों ने टाइम्स नाउ देखा होगा, टाइम्स नाउ में मेरे कल जो मैंने औरंगाबाद में स्पीच दिया था उस स्पीच का लाइन बनाया गया, उसमें मैंने टाइम्स नाउ का नाम नहीं लिया था, लेकिन टाइम्स नाउ ने कहा कि पॉपुलर फ्रंट टाइम्स नाउ के खिलाफ बात कर रहा है। आज मैं उनका नाम लेके कहूंगा कि वो एक पेड मीडिया है। मैंने कब उनका नाम नहीं लिया, उन्हें पता चला मैं उनके बारे में कह रहा था, क्यों? क्योंकि चोर के दाढ़ी में तिनका। ये जो पेड मीडिया है, मीडिया इंडिया के अंदर उसकी जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को क्रिटिकल हो। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा काम करे जो इंडिया की जनता के लिए, इंडिया के आवाम के लिए खतरनाक है, तो मीडिया की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को क्रिटिकली बात करे, गवर्नमेंट की हर एक पॉलिसी को तंकीद करे। लेकिन हम आज देखते हैं कि ये पेड मीडिया न्यूज चैनलों में बड़े बड़े डिबेट में गवर्नमेंट के सपोर्ट में बात करती है। आज ऐसी हालत हो गई है कि न्यूज चैनल में गवर्नमेंट को और बीजेपी को और आरएसएस को अपने स्पोर्ट्स पर्सन को भेजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो
चैनल के अंदर बैठे हुए इनके जो एजेंट और इनके दलाल भी वो एक्टर है, ये लोग बीजेपी और आरएसएस का काम कर रहे हैं। कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, ये जो हिस्सा आप बता रहे हैं यहाँ पर रोकने के लिए पूरा भीम लगा दीजिए। इंसान बहुत सारे लोग जिनको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में पता नहीं था, ये लोग इल्जाम लगाने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में पता चला। हर दिन लोग हमारे ऑफिस में आते हैं, दूसरे पॉपुलर फ्रंट क्या है, हम उनको जब हमारा एजेंडा बताते हैं वो लोग हमसे जुड़ते हैं लाखों की तादाद में, चाहे वो तिरुवनंतपुरम हो, मदुरई हो, चेन्नई हो, बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, कन्नूर हो, मणिपुर हो, या कल औरंगाबाद हो, इंशाल्लाह इसके बाद दिल्ली में होगा, गुवाहाटी में होगा, बंगाल में होगा, गोवा में होगा, जहां जाए कांग्रेस की सुबह लोगों ने जवाब दिया है कि तुम्हारे झूठ को हम नहीं मानते, हम हक के साथ है और हक को अपना फ्रंट ऑफ इंडिया है। ये इल्जाम मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपसे दरखास्त करना चाहता हूँ कि बहुत ही गौरव की दृष्टि से सुने सारे इल्जाम, गौरव की दृष्टि सुने और मैं इसके सामने ये इल्जाम की सच्चाई क्या है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो एक महीने पहले न्यूज चैनल के अंदर ये बात आई कि एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने होम मिनिस्ट्री को एक प्रोसेस दिया, प्रोसेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और उस डॉक्यूमेंट में बताया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करना चाहिए। क्यों बैन करना चाहिए? क्योंकि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर चार इल्जाम है। अब वो एक एक इल्जाम मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊंगा और उसकी सच्चाई मैं आपके सामने रखूंगा। पहला इल्जाम ये था कि 2010 में केरला में एक स्कूल टीचर जिसका नाम जोसफ था उस पर हमला हुआ, उसका हाथ काटा गया और ये हमला पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तंजीम ने किया। इसकी असलियत यह है कि 2010 में जोसफ नाम के एक शख्स जो एक टीचर था उसने क्वेश्चन पेपर बनाया और उस क्वेश्चन पेपर में उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इतने गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए, अल्फाज इतने गंदे थे कि खुद जिस चर्च के स्कूल में काम करता था उस चर्च ने उसकी तंकीद की और उसे काम से सस्पेंड कर दिया, इतना एक बुरे अल्फाज उसने इस्तेमाल किए थे। चंद वहां के मकामी नौजवानों ने उसके इस काम से गुस्सा आकर उस पर हमला किया, जिस हमले में उसके हाथ कट गए। वो मकान में बहुत सारे नौजवान थे जो इस हमले में शामिल थे, उसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक या दो लोग भी थे। एक मकान इंसिडेंट इंडिया के अंदर लोकल इंसिडेंट होते रहते हैं, हर गली मोहल्ले में हमले होते हैं, हर गली मोहल्ले में लोकल इंसिडेंट होते हैं और हर इस इंसिडेंट में किसी न किसी तंजीम किसी न किसी पार्टी के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पॉलिटिक्स खेला गया, वो पॉलिटिक्स ये था कि इस इंसिडेंट को लेकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बदनाम करो, हम पर इल्जाम कर इल्जाम लगाए, हमारे ऑफिसर्स को रेड किए गए, हमारे मेंबर्स को अरेस्ट किया गया। हमने उसी दिन केरला के अंदर और दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर हमने कहा ये केस के साथ हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कंडेम करता है, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये दूसरे दिन हमने कहा, लेकिन ये बात किसी को नहीं चाहिए थी, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं था। हम इसके पीछे कोर्ट में गए और आखिरकार आप जानते हैं कि इसी एनआईए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इस प्रोफेसर के जो केस है इस केस में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ पर सोचेंगे कि ये चीज जो कोर्ट का ऑर्डर है, ये कोर्ट का ऑर्डर कोई भी मीडिया कोर्ट नहीं करता, दूसरे टाइम पर बड़े बड़े कोर्ट की बातें करते हैं, ट्रिपल तलाक कोर्ट का हुक्म है, इसका कोर्ट का हुक्म है, कोर्ट का हुक्म, कोर्ट का हुक्म। लेकिन जब वही कोर्ट ये कहती है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कोई भी तंजीम इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ये कोर्ट की बातें लोग नहीं करते, एक मुनाफिकत है। मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, लोग कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट को बैन करो क्योंकि इसके चंद लोगों ने इस क्राइम में शामिल थे। मैं आपके सामने बताता हूँ इंडिया के अंदर कितने पॉलिटिकल किलिंग होते हैं। पॉलिटिकल किलिंग का मतलब होता है जहां पर सियासी पार्टी के लोग आपस में एक दूसरे का मर्डर करते हैं। पिछले 6.5 साल में हमने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से केरला पुलिस के पास से हमने इंफॉर्मेशन लिया, आपके सामने मैं पढ़ता हूँ अभी वो चीजों को। उस रिपोर्ट में आया कि इस कांग्रेस की 5 साल और सीपीएम के 1.5 साल इसमें कितने मर्डर हुए और मर्डर में कौन कौन शामिल है आप लोग जानते होंगे। 24 मर्डर केसेस में वहां पर ही रूलिंग गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग इन्वॉल्व थे और बीजेपी जो अपने आपको बड़ी साफ कहती है कि हम पर वहां पर जुर्म हो रहा है,
मैदान में हमारे मेंबरों पर हमला हो रहा है, अमित शाह जाकर वहां बड़े बड़े रैली कर रहा है। इसी बीजेपी के लोग सिर्फ 6.5 साल के अंदर 17 मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है, 17 मर्डर केसेस में। कांग्रेस पार्टी और उनकी पार्टी अलग, उनके ऊपर दो, मुस्लिम लीग के ऊपर चार, पॉपुलर फ्रंट के ऊपर दो। अगर इसी बुनियाद पर अगर आपको बैन करना है तो सबसे पहले बैन आपको बीजेपी को करना है, क्योंकि उनके लोग 17 मर्डर केसेस में हुआ है। 2012 और 2013 में 2 साल में इंडिया के अंदर 220 पॉलिटिकल मर्डर्स हुए हैं, 220 पॉलिटिकल मर्डर्स के मर्डर्स में। बंगाल के अंदर 48, बिहार के अंदर 46, मध्य प्रदेश के अंदर 50। ये सारे मर्डर्स में कहीं भी पॉपुलर फ्रंट नहीं है, यहाँ पर वहां के लोकल पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व है। क्यों इनको बैन करने की बातें नहीं आती, क्यों सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की बातें आती है? ये एक पॉलिटिक्स है जिसको हमें समझना चाहिए। दूसरा इल्जाम लोग लगाते हैं कि केरला के अंदर कन्नूर में नारा नाम की जगह में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग टेररिस्ट कैंप चला रहे हैं। इसकी असलियत बताओ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया हर साल एक कैंपेन चलाता है जिसका नाम है हेल्थी पीपल हेल्थी नेशन, जिसमें हम लोग आवाम के पास जाकर खुले आम लोगों के बीच में लोगों को योगा ट्रेनिंग देते हैं, हेल्थी फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग देते हैं, योगा कैंप होते हैं हमारे। तो उसी तरीके से केरला के कन्नूर में कैंप हो रहा था, संघ परिवार के लोगों ने पुलिस पर प्रेशर डाला, कैसा कैंप हो रहा था, पुलिस ने आकर उस कैंप पर हमला एक रेड किया, 21 हमारे मेंबर्स अरेस्ट किया। वो कैंप ऐसा था कि खुले ग्राउंड में हो रहा था और उस ग्राउंड पर दीवार भी नहीं थी। अरे कौन से ऐसे बेवकूफ लोग हैं जो टेररिस्ट कैंप खुले ग्राउंड में चलाते हैं? और पुलिस ने ऐसे रिपोर्ट दिए थे कि वहां पर एक बाल्टी मिली थी, कहा कि ये बाल्टी कौन है, वहां पर एक छतरी मिली थी, कहा कि ये छतरी कौन है। मैं और आगे नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या मिला था, हर चीज को बॉम्ब बोले वो लोग। हमारे 21 मेंबर्स को अरेस्ट किया गया, हम भी कोर्ट के कोर्ट हो गए और आखिरकार इन लोगों ने हम पर यूएनपीए लगाया। हमारे मेंबर्स पर यूएनपीए का मतलब होता है तो काला कोटा है, काला कोटा का मतलब होता है एक बहुत ही खतरनाक कानून था, काला जैसा कानून। उस कानून को एक नया सिस्टम दिया गया है जिसको यूएनपीए कहते हैं, वो यूएनपीए हमारे मेंबर्स पर लगाया गया। लेकिन हम केरला कोर्ट हो गए, केरला कोर्ट में जाकर केरला की हाईकोर्ट ने खुले तौर से कहा कि इस केस में यूएनपीए नहीं लगता और यूएनपीए को खारिज कर दिया। संयम बनाए रखे, हमारे वॉलंटियर संभाले। तो ये जो बात मैं आपके सामने रखना चाहता था कि केरला की हाईकोर्ट ने कहा कि नारा कैंप के अंदर कोई भी टेररिज्म का काम नहीं हो रहा था, फिर एनआईए सुप्रीम कोर्ट को गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनआईए का जो एक अर्जी है ये अर्जी नालायक अर्जी है, इसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट ही नहीं करती। और जो केरला हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कैंप में कोई टेररिज्म का काम नहीं हो रहा था, ये फैसला ही सही फैसला है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि असल किनके ऑफिसों में टेररिज्म का काम हो रहा है। सिर्फ दो हफ्ते पहले केरला के अंदर बीजेपी के ऑफिस के अंदर रेड किया गया, उस रेड में बीजेपी ऑफिस के अंदर तलवार मिले, उस रेड में बीजेपी ऑफिस के अंदर बॉम्ब मिले। क्यों बीजेपी को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहते? 2006 में यूपी में, 2006 में महाराष्ट्र के नांदेड में दो बजरंग दल के मेंबर बॉम्ब बनाते बनाते मर गए। 2008 में कानपुर में बजरंग दल के दो लोग अपने अपार्टमेंट में बॉम्ब बनाते बनाते ब्लास्ट होकर मर गए। तमिलनाडु के अंदर तेलंगाना में आरएसएस के ऑफिस के अंदर पाइप बॉम्ब मिला। ये सारे चीज मिलते हैं, लेकिन आप उनको टेररिस्ट नहीं कहते जिनके ऑफिसों के अंदर बॉम्ब मिलते हैं, जिनके मेंबर बॉम्ब बनाते बनाते मर जाते हैं, आप उनको टेररिस्ट नहीं कहते? और यहाँ पर हम योगा कैंप चलाते हैं, टेररिस्ट कैंप कहते हो? ये दोहरापन, इसको मुनाफिकत कहते हैं। तीसरी चीज बहुत ही हंसने वाली चीज है, एक नया इल्जाम लगाए हैं कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोग मुसलमानों को इंटरव्यू लेके एप्लीकेशन लेकर अच्छी अच्छी बातें करके उनको सीरिया बेचते हैं आईएस ज्वाइन करने के लिए, आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए। मेरे सामने बैठे मुस्लिम लीडर्स जो बैठे हैं यहां पर,
मेरे सामने हमारे मस्जिद के जो उलमा बैठे हैं, मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग तो हैरानी होगी, ये कहते हैं कि इंडिया में आईएएस हो रहा है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि आईएएस का काम हो रहा है। आपको पता है इंडिया से कितने नौजवान सीखे गए हैं? ये मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आपको लगेगा हजारों लाखों की तादाद में गए हैं। आपको पता है कितने गए हैं? 100 भी नहीं गए हैं। 18 करोड़ मुसलमानों की तादाद से 100 भी नहीं गए हैं। 0.00001% भी नहीं गए। राजनाथ सिंह होम मिनिस्टर ने कहा था कि इंडिया के अंदर आईएस का मुसलमानों के अंदर कोई भी एक इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों? क्योंकि हर मस्जिद के मेंबरों से हमारे उलमाओं ने आईएस को रिजेक्ट किया है। हर मस्जिद के जमात के हमारे प्रेसिडेंट समिति के मेंबरों से आईएस को रिजेक्ट किया है। जितने मुस्लिम तंजीम है, सारे मुस्लिम तंजीमों ने आईएस को रिजेक्ट किया है। पूरी की पूरी इंडियन कम्युनिटी ने, इंडियन मुस्लिम कम्युनिटी ने आईएस को रिजेक्ट कर दिया है। इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी आईएस को घुड़ा रिजेक्ट करती है और ये इस मुस्लिम कम्युनिटी पर इल्जाम लगाते हैं कि आईएस को लोगों को भेज रहे हैं। असल टेररिस्ट कौन है? पाकिस्तान में बैठा हाफिज सईद, वो कहां है किसी को नहीं पता, उसका लोकेशन सीक्रेट है। इंडिया के लॉ को नहीं पता, इंटेलिजेंस को नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन आरएसएस का एक जर्नलिस्ट भाई पाकिस्तान में जाकर उसके साथ बैठकर चाय पीता है। हाफिज सईद का एड्रेस इंडिया के लॉ को नहीं पता, इंडिया के आर्मी को नहीं पता, इंडिया की इंटेलिजेंस को नहीं पता, इंडिया की गवर्नमेंट को नहीं पता, ये आरएसएस का जर्नलिस्ट को हाफिज सईद का एड्रेस कैसे पता चला? पता चला जिनमें दोनों एक ही जमात है। मध्य प्रदेश के अंदर बीजेपी के आईटी विंग ने कि लोग आईएसआई के एजेंट थे, आईएसआई पाकिस्तान का एजेंसी, इंडिया के मुल्क के सीक्रेट को भेज रहा था वो। इस पर आप टेररिस्ट नहीं होते, मुसलमानों पर इल्जाम लगाते हैं। चौथा और एक इल्जाम है, बहुत ही हंसने वाला इल्जाम है, वो ये है लव जिहाद। सुन कर लव जिहाद कितना सुन कर है, एक नई बात बताता हूं, इसका नाम लव जिहाद नहीं था, इसका नाम रोमियो जिहाद। 2010 में जब पहली बार इसकी बात आई, नॉर्थ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में बहुत पुरानी है। 2010 में आरएसएस के लोग चिल्लाना शुरू कर दिए, फिर केरला के अंदर रोमियो जिहाद है, रोमियो जिहाद है। रोमियो जिहाद सुनने में अच्छा नहीं रहा, इसमें लव जिहाद कर दिया। लव जिहाद क्या है? लव जिहाद पीछे उनसे को पता है कि मुसलमानों की जितनी तंजीमें हैं, तंजीमें क्या करती है, अपने नौजवानों को सिलेक्ट करती है, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं, उनको अच्छे अच्छे बाइक्स देते हैं, उनको समून में बेच के फेशियल भी हेयर शेविंग करते हैं, कर उनको कहते हैं कि आप दूसरे धर्म के लड़कियों को लव अफेयर करो, उनसे शादी करो, शादी करके उनको सीरिया भेजो। हम लोग हंसेंगे कि सच में ऐसा हो रहा है, सच में ऐसा हो रहा है। इतना दिमाग कर बोले हैं कि केरला हाईकोर्ट ने केरला पुलिस से कहा कि आप रिपोर्ट दो कि ऐसा एक लव जिहाद है या नहीं। उस वक्त के केरला के डीसीपी जेकब ने केरला हाईकोर्ट को रिपोर्ट दिया कि ये सबसे बड़ा झूठ है, लव जिहाद नाम का चीज ही नहीं है। कर्नाटक के अंदर एक पागल आदमी है प्रमोद मुराली, वो पागल आदमी भी चिल्लाना शुरू कर दिया लव जिहाद लव जिहाद। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भी कर्नाटक के इंटेलिजेंस ब्यूरो से कहा कि एक रिपोर्ट को कर्नाटक के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी कहा कर्नाटक के अंदर लव जिहाद नाम का कोई चीज नहीं है। यूपी के अंदर भी यूपी के पुलिस कमिश्नर ने, लखनऊ के पुलिस कमिश्नर ने गवर्नमेंट को रिपोर्ट किया कि लव जिहाद नहीं है। जब पुलिस कहती है लव जिहाद नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो कहती है लव जिहाद नहीं है, गवर्नमेंट कहती है लव जिहाद नहीं है, कोर्ट कहती है लव जिहाद नहीं है, तो सिर में बेवकूफ पागल हाथ से सवाल क्यों कहते रहते हैं लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद। वो इसीलिए कहते हैं, ये पॉलिटिक्स है समझ लीजिए, ये पॉलिटिक्स है समझ लीजिए। पॉलिटिक्स ये है, इसको विक्टिम कार्ड कहते हैं, विक्टिम कार्ड। विक्टिम कार्ड का मतलब लोगों को डराओ, देखो तुम्हारी बेटियां सेफ नहीं है, देखो तुम्हारे बहू सेफ नहीं है, ये सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है, अगर तुम्हें अपने बच्चों को बचाना है हमें वोट दो, बीजेपी को वोट दे, बीजेपी आने के बाद में अपने बच्चों को हम संभाल लेंगे। अरे तुमको वोट देने के बाद 650 छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां मरे हैं,
बिना ऑक्सीजन के, एक झूठ है लव जिहाद। अब नया चीज लेते हैं डॉक्टर खानिया, डॉक्टर खानिया का केस आपके सामने बताना चाहता हूं। डॉक्टर खानिया एक होम्योपैथी कॉलेज में तमिलनाडु से लंबे सीखती थी, थर्ड ईयर में अपनी मुसलमान फ्रेंड्स के साथ इस्लाम स्टडी करके उसने इस्लाम कबूल कर लिया। करने के बाद उसने कोर्ट में केस डाला, हाई कोर्ट में वहां पर ऑर्डर दिया कि ये अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल की है, इसको इस्लाम स्टडी करने का मौका दिया जाए। तीन बार केस गया, तीनों बार भी हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर जबरदस्ती नहीं हुआ। आठ बार पुलिस ने कोर्ट को रिपोर्ट दिया, आठ बार रिपोर्ट दिया कि इस पर कोई भी जबरदस्ती नहीं हुई। फिर भी आखिरकार उसके शादी होने के बाद वापस कोर्ट में गई और कोर्ट ने कहा कि तुम्हारी शादी को रद्द करते हैं, क्योंकि शादी के वक्त तुम जहनी संतुलन में नहीं थी। आज वो व्यक्ति अपने घर के अंदर हाउस अरेस्ट है, कोई मिल नहीं सकता उससे, उसे पागल बनाकर मारने की एक साजिश है। देखिए हम यहाँ पॉपुलर फ्रंट से हम कहते हैं कि पॉपुलर फ्रंट का मीडिया दावा वर्ग में नहीं है, हम दीन का प्रचार धर्म के प्रचार का काम हम नहीं करते हैं, लेकिन इंडिया के संविधान में इंडिया के हर एक शख्स को किसी भी धर्म पर चलने का पूरा हक है, किसी भी धर्म को अपनाने का पूरा हक है। अगर उसका इस हक को कोई भी छीनने की कोशिश करेगा, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया सबसे पहले वहां पर मौजूद रहेगा। डॉक्टर हानिया पे सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है, वो केस का हमने जिम्मेदारी लिया है। सुप्रीम कोर्ट में हम गए, अब केस के लिए बड़े बड़े लॉयरों को लेना चाहिए था, पैसे नहीं थे। हम लोग सिर्फ केरला एक स्टेट के अंदर हमने सिर्फ एक दिन जुम्मा के वक्त आधा घंटे हमारे मस्जिदों के बाहर चादर पकड़ के रुके। आपको पता है सिर्फ आधे घंटे में 80 लाख पैसे हमें मिले, 80 लाख। ये विश्वास लोगों का, हम पर ये विश्वास है। लोग पूछते हैं पैसे कहाँ से आते हैं। अरे ये कॉन्फ्रेंस हमने किया है, आवाम के पास हम जाएंगे, पूरी शान से कहते हैं जयपुर के अंदर 10 ऐसा कॉन्फ्रेंस हम लोग करते हैं, कर सकते हैं, इतना आवाम को हम पर भरोसा है। आवाम के पैसे चलने वाली रंजी, ये भी एक इल्जाम जो है बेबुनियाद। अभी आप लोग सोचते होंगे कि इतना इल्जाम पॉपुलर फ्रंट पर क्यों लगाया जाए, वो भी मैं आपको बताकर मेरी बात करूंगा। उसके चंद रीजन है। नंबर वन रीजन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने शुरुआत से जिस दिन से हम शुरू हुए उस दिन से हमने आरएसएस के खिलाफ एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिया है, कौमवाद के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ हमने एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड लिया है। एडजस्टमेंट भी कॉम्प्रोमाइज है, दो अल्पास हमें आते ही नहीं, हम कभी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कौमवाद इस मूल को धर्म के नाम पर बांधने के काम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इस वजह से आरएसएस हमारे दुश्मन है। और पाटिल साहब ने जो कहा वही बात को मैं दोहराता हूँ, जिस दिन तक आरएसएस के लोग हमारे खिलाफ काम करते रहेंगे उस दिन तक हमें पूरा भरोसा है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए हिंदुत्व अलग है, हिंदू धर्म अलग है। आरएसएस की एक कोशिश है कि वो हिंदू धर्म को हिंदुत्व के साथ जोड़ना चाहता है। हिंदू धर्म जो है एक महान धर्म है, श्री राम कृष्ण संतों का धर्म है। हिंदुत्व जो है ये सावरकर नाम के एक शख्स ने बनाया, सावरकर कौन था, इसको अंग्रेजों ने पकड़कर अंडमान निकोबार जेल में भेजा, वहां जाते ही इसकी हालत ठीक हो गई। उसने वहां पर अंग्रेजों को लेटर लिखा कि मैं हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे छोड़ दो, अगर आप लोग मुझे छोड़ोगे जिंदगी भर अपनी तले झाड़ूंगा, कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ काम नहीं करूंगा। ये उस गद्दार सावरकर ने जेल से बाहर आकर किताब लिखी और उस किताब में उसने हिंदुत्व के बारे में सबसे पहला जिक्र किया। आरएसएस वो तंजीम है, एक गद्दार सावरकर पे बनाए हुए एक गद्दार आइडियोलॉजी हिंदुत्व को मानने वाली एक गद्दार तंजीम आरएसएस है। हम इनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं इनके सारे आइडियोलॉजी। दूसरी चीज, हम मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर इज्जत की बात करते हैं, हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हम मुसलमानों से कहते हैं रोना धोना बंद करो, ये पुरानी बातें पूरा छोड़ दो। अफसोस की बात ये है, आप देखेंगे आज अगर पूरे इंडिया के अंदर सबसे मायूस और नेगेटिव कम्युनिटी को ये तो मुसलमान है। आप हर किसी के पास मोबाइल फोन होगा, सुबह सुबह अपना मोबाइल फोन उठा के देख लीजिए, व्हाट्सएप देख लीजिए, व्हाट्सएप पर सिर्फ दो तरीके के मैसेज हमें आते हैं, एक यहाँ मार पड़ा, वहां पर पेशाब पिलाए, वहां पर गोबर पिलाए, ऐसा एक मैसेज। दूसरा मैसेज आता है जहां पर लोगों को फॉरवर्ड पर वर्कअप आ जाएगा। इसी तरीके के मैसेज आते
हमें पॉजिटिव मैसेज नहीं आते, हम कहते हैं पॉजिटिव बात करो, तो हुआ उसे भूल जाओ, तो तकलीफ बात करो उसे भूल जाओ, पुरानी बातों को भूल जाओ। हम मदर टीम सुल्तान का वकाल कहते हैं गीदड़ की सौ साल जिंदगी से बेहतर शेर का एक दिन है। जितने भी एजेंसी है उसको आजमाओ,
केसेस पास पाओ, लांडियों पास पाओ, गोलियों पास पाओ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हर व्यक्ति आदर और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मोहब्बत करने वाली इतनी आवाम अपनी जिगर को इंशाल्लाह आजमाएंगे। संविधान के तौर पर लीगली आप पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। किसी भी एडवोकेट से पूछो, किसी भी जस्टिस से पूछो, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डेमोक्रेटिकली आप लोग बैन कर ही नहीं सकते। हमें पूरा भरोसा है हम बैन हो ही नहीं सकते। न्यूज चैनल में कहा गया था चंद दिनों में पॉपुलर फ्रंट बैन हो गए, ये दिन हफ्ते हो गए, हफ्ते महीने हो गए, इंशाल्लाह ये महीने साल में होंगे, हमें बैन नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इन आरएसएस के लोगों ने अपनी बहुमानी सोच का इस्तेमाल कर जुल्म के साथ इस तंजीम को बैन करने की कोशिश की, इंशाल्लाह हमें इंडिया के दस्तूर पर भरोसा है, इंशाल्लाह हमें इंडिया की जुडिशरी पर भरोसा है, और इंशाल्लाह सबसे ज्यादा हमें आप लोगों पर भरोसा है कि आप लोग हमारे वास्ते इंशाल्लाह खड़े होंगे। तो अपनी बात खत्म करते हुए वापिस आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए और आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया। इंशाल्लाह आपका ये सपोर्ट हमारे लिए फर्ज है, जिस तरीके से आप हमारे लिए रुके हैं, इंशाल्लाह पॉपुलर फ्रंट हमेशा आपके लिए रुकेगा। वाकई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।